हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग पे। पाजी इन द हाउस। हाँ, इन द हाउस अभी आउट आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, से हाई टू ऑडियंस। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं जा रहा हूँ राखी शॉपिंग पे। भाई तू चला, मैंने हेलमेट नहीं डाला। वैसे हेलमेट डालना चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे नहीं डाला, गर्मी लग रही थी। मेरे साथ साई लेना, फिर इसको दे दूंगा मैं बाइक चलाने के लिए। गाइस, ये है दुकान। ये वाली जींस लिया मैंने अभी, मतलब सही आ रही है काफी। सो गाइस, जींस तो हो गई है एक। मैंने ये वाइल आया था, सही है। एक ब्लू कलर में ली है और एक ब्लैक में ली है। सेम मिल कह रहा था ब्लू ले ले, फिर वो मजा नहीं आया उसमें। वो मेरे साइज की भी नहीं थी, इसीलिए ये मस्त मिल गई। अब जा रहे हैं शर्ट के लिए। शर्ट लगी अच्छी की टी शर्ट अच्छी लगेगी? टी शर्ट लूंगा, शर्ट में डालता नहीं भी इतना। तो चलते हैं, टी शर्ट मैं दे दूँ अपनी। पाजी की चॉइस से जाएंगे टी शर्ट लेने। शॉपिंग डन। एक टी शर्ट, दो जीन्स, ठीक है। हाँ, डोले भी हैं और खर्चा अच्छा खासा हो गया भाई। नहीं, भारी अच्छी लगती है। वैसे मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें जिद करी कि यहाँ पे भी एक बार देख लो। इसके चक्कर में कोई यहाँ भी आना पड़ा है। पाजी इतनी जिद क्यों करते हो आप? कपड़े तुमने लेने थे? हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं चल लेते हैं। चल देख तो सही, एक बार यार मैं दिक्कत गया ना, मेरे साइज का कुछ मिलता नहीं है कभी। है मेरे साइज का इस पे? नहीं है। ट्रिपल एक्सल देख जरा एक बार। ट्रिपल नहीं भाई, फाइव देख ले सर। इसको डाल के बीच वाली फीलिंग आएगी, हालांकि मैं कभी बीच पर गया भी नहीं। ओ पजामा, इतना प्यारा रेट, इतने तो पैसे भी नहीं है जो मेरे पास। 69 हो भाई, मज़े आ जाएंगे यार। पकड़ ले भाई, इसको पकड़, इसको पकड़। थैंक यू। ये बनाने क्या फ़ायदे हैं? हाँ ऐसे करो, थोड़ी बन गई ना, आप पकड़। तो पाजी को ये वाली डिश पसंद आई है। एक्सपोजिंग ये। मेरी भी बहुत जल्द बनेगी। तो अब ये वाली, ये वाले हैं पता ही लेते हैं। हाँ। हाथ में है कि नहीं, इसलिए बाहर खरीदते हैं। हम गंदे बच्चे नहीं है, हम पैसे देते हैं। हमें डाल के दिखा रहा हूँ, जाओ बाहर। चल शूट कर, डाल। नहीं डालेगा, मैं डाल के दिखा रहा हूँ ना। यार मैं दूसरी दुकान की थी, 5XL या 2XL अच्छी आ गई मेरे को। ये ना झूठा है, 5XL ले रहा है और दूसरों उधर ऑडियंस को कह रहा है कि 2XL है। चल चल निकल, अब तेरे क्या कहने। तू तो है झूठा, एक नंबर का झूठा है, पता लग गया ना। खुला नहीं, बेइज्जती। क्या लग रहा है? एक एक टी-शर्ट होता है, ये मेरी है, ये मेरी है। Let's see next t-shirt कैसी लगेगी। कैसी लग रही है? एक काम कर, ये वाली ट्राई कर। आए लड़के, मस्त लग रही है। अब ये वाली ट्राई करते हैं। ना मजा नहीं आया, दूसरी देखता हूँ। ये वाली, हाँ ये अच्छी लग रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तू दिखा। नहीं, मैं नहीं। ये देखो, इतनी बॉडी बना रखी है, पॉडी से नहीं जा सकता।
नहीं मैं तो इसी से जाऊंगा, तू जाना, तू मोटा तो जाना चाहिए, हम तो इसी से जाएंगे। चौथी मंजिल, बटन दबाया नहीं क्या था ये? मैं उतनी देर तक खड़े हुए क्या, बस ग्राउंड फ्लोर पे जाना अभी तक पहुंचे नहीं, सेकंड फ्लोर से बटन दबाया नहीं यार तुमने। तो शॉपिंग डन, जूडियो की अच्छी बात लगती है, मैं यहाँ आया था वैसे शॉपिंग करने, बिल नहीं दिखाऊंगा कितना है। तो हमारे पास तीन तीन बैग्स हो गए हैं ठीक है, और तो मैंने ली है 3 टी शर्ट 2 जीन्स, हाँ राखी मेरी सेलिब्रेट हो जाएगी इसमें ठीक है। और कल जा रहा हूँ मैं नानी के घर, सुबह सुबह निकलेंगे 5 बजे हम ठीक है, मम्मी और मैं जा रहे हैं, एंड आपको सुबह मिलता हूँ मैं। शॉपिंग के बाद थोड़ी पेट पूजा, सर आपके डोले भी चक जाएंगे इससे, इधर तो देखो अनहेल्दी के साथ थोड़ा हेल्दी, वैसे ये भी अनहेल्दी है, मीठी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक, वेलकम बैक तो हो चुका था सच। हाँ तो ये अगला दिन है एंड आई एम ड्रेस्ड एज यू ऑल नो, मैं शॉपिंग करके आया था ठीक है, कल का दिन अच्छा गया, आज का दिन भी अच्छा जाना चाहिए, आज राखी है ठीक है। एंड अभी बज चुकी है 9 और हमें 1 घंटा मैक्सिमम या 1.5 घंटा लगेगा हमें नानी का तक जाने में ठीक है, तो हमें मैक्सिमम 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं है, 60 किलोमीटर ही है सिर्फ ठीक है। एंड मैं ड्राइव करूँगा बिकॉज पापा नहीं जा रहे हैं, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम इतनी दूर तक अकेला खुद ड्राइव करके जाऊँगा। यस सो रेडी टू गो, और आज तो बारिश वाला मौसम है तो मतलब ठंडा रहेगा काफ़ी, अच्छा है, अच्छी बात है, 2-3 दिन से तो इतनी गंदी गर्मी पड़ रखी है, आज अच्छा मौसम है शुक्र है। When you feel it's hopeless, when you think that you're lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust, oh, here we go, 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 let us heal and grow, you won't be alone, we're unstoppable, don't be afraid to show what we're going for, this is what we know, here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean my throat. So, मैं आ गया हूँ नानी घर, एंड अगर किसी ने पहले नहीं देखा है तो ये है मेरा नानी घर ठीक है, अभी अभी जस्ट पहुंचा हूँ। सो ये मेरे मामा जी हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे। मैंने लिटरली ना आज 10 से 15 रसगुल्ले खा चुका हूँ अभी तक। तो राखी सेशन खत्म, और आपको तो यार पता ही होगा शेफी के बारे में, शेफी आज अंदर आ जा। ओके इट्स टाइम फॉर लंच, वैसे भी टाइम हो गया है 12:30 मतलब। तो ये नई चीज देखी मैंने, देखो बबल मशीन,
गाइज ये देखो, ये जो मधुमक्खी है सिर्फ फ्लावर से नहीं अपना नेक्टर चूज करती, ये मिठाई से भी। ये देखो मिठाई पे मधुमक्खी बैठी है, ये दूसरी वाली मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे, और अगले दिन बस मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का, बिकॉज बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे और ज्यादा, एंड उनके सामने फिर ब्लॉग करना अच्छा भी लगता है, सबके मुंह पे कैमरे मारो हेलो हेलो गाइज करते रहना अच्छा लगता ना, इसलिए मैंने किया नहीं। एंड बस अभी ऑन द वे टू गो होम, एंड अभी टाइम हो रहा है 4:30, ठीक है, एंड बस घर के लिए निकल चुके हैं, और मैक्सिमम एक घंटे के अंदर हम घर पहुंच जाएंगे। 25% वैसे रास्ता कवर हो चुका है। So guys, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जो है उसको मार दो प्लीज, ठीक है। मेरे को बहुत मेहनत लगती है इस व्लॉग्स को बनाने में, इसीलिए अपना प्यार आप इसी जरिए दिखा सकते हो आप मुझे, ठीक है। सो एंड कमेंट सेक्शन में बता दिया करो जो चीज़ अच्छी लगी मेरे व्लॉग के बारे में, जो चीज़ नहीं अच्छी लगी मेरे व्लॉग के बारे में, सब कुछ लिख के बता दिया करो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम अपनी लाइफ से निकाल के प्लीज। बाय, साइनिंग ऑफ, राहुल क्लाउड। Bro, you won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we